सो फ्रेंड्स, ये है मेरी किचन की एंट्रेंस। किचन के डोर से एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ये वॉल शेल्फ है, जिस पे मैंने एक मग रखा है जिसे मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया था। एक DIY बॉटल है, इस पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, और ये पुराना चॉपिंग बोर्ड था, इसको मैंने, ये देखिए, इस पे मैंने प्रिंट आउट लेने के बाद उसको जस्ट पेस्ट कर दिया है, तो दिखने में अच्छा लग रहा है ये। और ये छोटे छोटे बर्ड्स टाइप से हैं, ये हेन है और ये भी पिजन है, इसको मैंने सजाया है यहाँ पे। और ये एक पाइनएप्पल जैसी शेप में है, बट ये है मनी बैंक, ये देखिए। इसके ठीक साथ में एक चॉकबोर्ड है, इस पर मैं डेली बेसिस पे कोट लिखती हूँ, और उसके नीचे मैंने भगवान जी की इस टाइप से फ़ोटो लगाई है। चॉकबोर्ड के ठीक नीचे मैंने ऐसे कमांड हुक लगाया है, जिसपे मैं अपना हैंड टॉवल प्लेस करती हूँ। वुडन शेल्फ के ठीक नीचे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र प्लेस किया है, ये ऑर्गेनाइज़र रैक है, इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इसके ऊपर मैं अपने डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले ऑयल्स, नाइफ सेट, डिफ्यूज़र, लाइटर, और नीचे अपने पिकल्स, दवाई, अचार, कॉफ़ी इस टाइप से रखती हूँ। तो ये मुझे मतलब हैंडी रहता है, ईजी रहता है मुझे लेना यहाँ से। इसके ठीक साथ में एक स्टील का स्टैंड है, जिसमें मेरे सब वुडन और स्टील स्पैचुलाज रहते हैं, और उसके साथ में ये इलेक्ट्रिक केटल रहती है। इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। ये वैसे तो मेरे माइक्रोवेव की जगह है, बट अभी टेम्परेरली मैंने माइक्रोवेव हटाया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस जगह को इस तरह से सेटअप किया है, ये देखिए। तो इसके साथ में मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है अपने वर्क स्टेशन के लिए। इसके ठीक ऊपर ये कैबिनेट है इस टाइप से, ये देखिए। और कैबिनेट के ऊपर मैंने ये एडहेसिव पेपर चिपकाया है, ये बहुत सिंपल सा बोरिंग सा माइका लगा हुआ था, और इसके बॉर्डर्स को, ये देखिए, मैंने वाइट पेंट कर दिया है, और इसका लुक कुछ इस तरह से आता है, ये देखिए। इसी के ठीक नीचे ये कुछ ओपन स्पेस है मेरे पास, जहाँ पे मैंने जार्स रखे हैं, ये चाय पत्ती और चीनी रहती है यहाँ पे, और ये सब ब्रेकफास्ट मटेरियल है, मूसली है, ओट्स हैं, इसके साथ रोस्टेड मखाने हैं, और इसमें मैंने पोहा रखा है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स और बूंदी हैं, और इसके पीछे ये स्नैक स्टेशन टाइप से बनाया है मैंने, इसके पीछे रोस्टेड चना है। ये सब सामान मैं सामने इसीलिए रखती हूँ कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी निकालना हो तो इजी रहे, और इसका पूरा लुक कुछ इस टाइप से आता है, ये देखिए। ये मेरा काउंटर टॉप है, ये गैस है, गैस के ठीक ऊपर ये कैबिनेट है, और मैंने इस जगह को मोस्टली खाली रखा है। यहाँ पे एक मेसन जार में मैंने सजाए हैं फ्रेश फ्लावर्स, ये देखिए। इसके आगे रहता है एक कॉपर का पॉट है, जिसमें कि टैप अटैच्ड है, बहुत इजी है पानी। यहाँ पे रहते हैं मेरे नॉनस्टिक पैन्स और कढ़ाई, और उसी के ठीक साथ कुछ मग्स, और उसके ठीक ऊपर मैंने ऐसे ग्लास की एक शेल्फ प्लेस करी है, उसमें रहते हैं मेरे मग्स। मग स्टेशन के ठीक साथ में मेरा वॉशिंग एरिया है, ये देखिए। वाटर पॉट के ठीक नीचे ये शेल्फ है, शेल्फ के ठीक नीचे रहती है एक बास्केट, और इसमें रहता है मेरा क्लीनिंग का सामान, वेजिटेबल वॉशर, और ये मिस्टर मसल का टी। ये नीचे के कैबिनेट्स हैं, इन पे भी मैंने वही पेपर लगाया है, और नीचे मैं एक रग प्लेस करके रखती हूँ। यहाँ पे रखी है मैंने एक बास्केट, जिसमें रहता है लिक्विड सोप और डिश वॉशर, और उसके नीचे रहता है सोप। इसके ठीक साथ में रहते हैं मेरे जग्स, मेरी पानी की बॉटल्स, और उसके ऊपर है ये रैक, जिसमें बर्तन धो के रखते हैं।
ये है मेरी किचन की विंडो और मैंने यहाँ पे लगाई हैं कुछ फ्रेश प्लांट्स। किचन की विंडो के बाहर का व्यू है, यहाँ से बहुत फ्रेश एयर आती है, बहुत सुंदर इसका व्यू है। किचन के लेफ्ट साइड पे एक डोर है, ये किचन का डोर है जिसको मैंने निकाल के साइड पे दीवार के साथ सटा के खड़ा कर दिया है। इसका रीज़न था कि ये बहुत जगह घेरता था और अब मेरे पास काफ़ी स्पेस हो गया है और इसको भी मैंने एडहेसिव पेपर से बैकग्राउंड देने के बाद उसके ऊपर मैंने अपने कान्हा जी की फेवरेट फ़ोटो लगाई है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और उसके पीछे फेरी लाइट्स लगाई हैं जो कि बहुत सुंदर एक लुक क्रिएट करता है। ये जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ तक रहता था बेसिकली, जहाँ मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स है यहाँ मैं कुछ नहीं रख पाती थी। और अब देखिए, ये दरवाज़ा हटाने से ये मेरी दो चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे और कितना सामान है इसमें मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सामान इसमें मेरा संभल गया है और देखने में भी कोई जज नहीं कर पाता कि ये दरवाज़ा वेस्ट है और मैंने जस्ट इसको दीवार के साथ प्लेस किया हुआ है। ठीक आगे एक ट्रॉली मैंने प्लेस की है, उसके ऊपर मेरा स्पून स्टैंड रहता है, एक प्लांट मैं सजाती हूँ, बेसिकली ये मेरा प्रोपोगेशन कॉर्नर है। एक वुडन बैंगल स्टैंड था मेरे पास, तो मैंने साइड्स के डंडे निकाल के टिश्यू पेपर रोल डाल के इसको एज अ टिश्यू पेपर रोल होल्डर यूज़ मैं इसे कर रही हूँ। और यहाँ पे रहता है एक जार जिसमें रहती हैं कैंडीज़, और इसके नीचे एक OTG रखती हूँ मैं, इसको बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये कभी कभी यूज़ होता है। OTG के ठीक नीचे मेरा मिक्सी चॉपर और उसके जार्स रहते हैं जो कि मुझे इजी रहते हैं निकालने में, और ये इस तरह से लग रहा है। इसके ठीक साथ में एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स है ये देखिए, और इसके ऊपर रहता है ये आर्टिफिशियल प्लांट और मेरा चॉपिंग बोर्ड, एक फ्रूट बास्केट और छोटा सा कैसरोल। और जिनकी किचन छोटी है ना, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स मस्ट है उनके लिए, इसमें इतनी स्टोरेज है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। ये प्लास्टिक का था, इसको मैंने ये पेपर चिपकाया है इसके ऊपर और साइड पे मैंने गोल्डन और वाइट से ये देखिए पेंट किया है, तो ये बहुत सुंदर इसकी लुक आती है, ये देखिए ये बहुत सुंदर दिखता है। कैबिनेट के फर्स्ट ड्रॉअर में रहते हैं बिस्किट्स और कुछ चॉकलेट्स, मेरे बच्चों का सामान रहता है ताकि अगर मैं घर पे नहीं भी हूँ तो वो इजीली ले पाएँ। बेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स के ठीक साथ में है मेरा फ्रिज, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके ऊपर ये वुडन काउ है जो बहुत सालों से मेरे साथ है। इस वुडन काउ के पीछे ये जो प्लेट्स हैं इन्हें मैंने हैंड पेंट करके बनाया था, ये वेस्ट प्लास्टिक की प्लेट्स थी मेरे पास और इनको मैंने इस तरह से ये देखिए एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करके बनाया है। किचन को डेकोरेट करते हैं ना तो बहुत हैप्पी आपका मूड रहता है, खाना भी बनाने में आपको कोई बोरियत नहीं होती और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपना काम कर पाते हैं। किचन में फ्लावर्स सजाइए, चाहे आर्टिफिशियल हों चाहे रियल हों, उससे आपको किचन में काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे वाइब्स आएंगे आपको। अगर आपकी किचन साफ सुथरी होगी तो बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने का भी। काउंटर टॉप पे अननेसेसरी चीज़ों को मत रखें, वही चीज़ें रखें जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए हो। किचन में कभी भी अननेसेसरी सामान मत रखिए, जैसे कि बड़े बर्तन हैं या पार्टी की क्रॉकरी है या एक्स्ट्रा क्रॉकरी है, उनको अलग से कहीं पे स्टोर कीजिए। किचन में जितना मिनिमल सामान आप रखेंगे उतना ईजी टू क्लीन होगा, उतनी साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज आपकी किचन रहे। कैबिनेट्स के नीचे मैंने फेरी लाइट्स लगाई हैं, ये देखिए ये LED स्ट्रिप लाइट है, मुझे हमेशा लाइट्स और से डेकोर करना बहुत पसंद है। और ये देखिए बिना लाइट जलाए भी किचन में काफ़ी रोशनी रहे, किचन हमेशा नीट एंड क्लीन तभी बनी रहेगी अगर आप एक्सेस सामान नहीं रखेंगे। आप उतना ही सामान रखें जितना आप इजीली मैनेज कर पाएँ, साफ कर पाएँ।
किचन में डेली बेसिस पे सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली चीज़ों को नहीं मिलाएंगे, नहीं सफाई करेंगे तो किचन तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। आमतौर पे हम किचन को इग्नोर कर देते हैं, बट मोस्टली टाइम हम किचन में ही स्पेंड करते हैं। तो ट्राई करिए कि आप भी किचन को बहुत सुंदर रखें, में काम करने में आपको बहुत अच्छा लगे, आप इंजॉय करें। आई होप आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।